अतएव माया तरी दय संसार आदि। कृष्ण की भूल जाने से, यानी कृष्ण सेवा नहीं करने पर और भगवान की जो बहिरंग शक्ति जो माया जीव के कष्ट देती है, और कोई कारण नहीं है। क्यों कार कष्ट देती है? हमारे हृदय को शोधन करने के लिए। जीव जब तक कृष्ण भजन नहीं करे तब अपने स्वरूप की उपलब्धि कर नहीं पाते। इसलिए वास्तव रूप में माया जो जीवों के कष्ट देती है, एक प्रकार कृपा माना जाता है। माया शब्द की अर्थ है मृत्यु अनया इति माया। मृत्यु माने जो अपने मन व बुद्धि के द्वारा हम जिस वस्तु को नाप लेते हैं उसी कहते हैं माया है। इसलिए कहते हैं मृत्यु अनया इति माया। और माया शब्द की अर्थ दूसरी अर्थ भी कहता है माया कृपा इति दम्भे। माया शब्द की अर्थ होता है कृपा, अर्थात माया देवी दंड दे करके जीवों के शोधन कराते हैं। यही माया के कार्य होता है। तो एक होता है महामाया और एक होता है कौन माया? जोग माया। जोग माया की कार्य क्या है? जो जीव भगवान की तरफ चलते हैं उसके जोग माया उसके भगवान की तरफ ले जाते हैं। जो जीव भगवान के भजन करना चाहते हैं तब उस अर्थात भगवत उन्मुख हो जाते हैं और जोग माया उनको धीरे धीरे भगवत राज्य की तरफ ले जाते हैं। यही है, यही साधारण रूप में इसको समझना चाहिए। जोग माया किसको कहती है और महामाया किसको कहते हैं? जोग शब्द तो भगवान के साथ मिलाना है, इसकी कह देते हैं जोग माया। जोग माया की कार्य ही होते हैं। और महामाया के कार्य क्या है? जीवों की क्या बोला था? शोधन करना, दंड देना, यही कार्य होते हैं। वास्तव ये जो माया जी की कहाँ से है? जी कृष्ण की जो शक्ति जो है और स्वरूप शक्ति है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। ये चित शक्ति की भी कहा जाता है। तो वो चित शक्ति की जिस मूल जो कहा जाता है वो स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है। इसलिए स्वयं राधिका ही छाया है, उसकी कहा जाता है वो जोड़ा माया कहा जाता है। इसलिए स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, राधा ठाकुर रानी। ये स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, राधिका की सेवा प्राप्त करना ही जीवों की चरम लक्ष्य है। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। तो यही चरम भाव की प्राप्ति करना जीवों की मुख्य उद्देश्य है। क्या बताए? अर्थात थोड़ा तत्व समझ नहीं आ रहे सर। ये श्रीमती राधिका क्या तत्व है? शक्ति तत्व है, कृष्ण शक्तिमान तत्व है। कृष्ण इसलिए शक्तिमान कृष्ण है और शक्ति श्रीमती राधिका। इसलिए शक्ति के द्वारा ही भगवान सब कुछ कार्य आदि करते हैं। आपकी शक्ति नहीं रहे आप कार्य कर सकते है? आप नहीं कर सकते। पावर होनी चाहिए, शक्ति। ये शक्ति मूल शक्ति की जो है ये राधा जी है। इसलिए कहते हैं स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। इसलिए कहा गया राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्री प्रमाण। ये इसलिए यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं
जी राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण की सेवा हमें करना है। यही पौढ़ माया की तात्पर्य के जैसे मैंने कहा पौढ़ माया कहा गया है। पौढ़ माया शब्द की अर्थ होता है श्रेष्ठ प्राचीन, अनेक शब्द के अर्थ होता है। ये जो हम लोग जो गए थे इसी की कहा जाता है सीमंत दीप भी कहा जाता है, जहाँ पर गौर की कथा श्रवण करके अर्थात चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करके स्वयं देवी पार्वती जो है और वह इस नवद्वीप धाम के धूलि जो है अपने क्या बोले मांग पर लगाया, इसलिए इसके नाम हो गया सीमंत दीप है। ये समस्त कथा भी उसमें वर्णन है। जीवों की माया के बारे में तो बहुत कुछ है, जीवो माया महामाया जीवो माया और होता है और एक माया, इस माया के बारे में बहुत कुछ है। जिस माया के द्वारा जीव इस संसार में मोहित होकर के रहते हैं उसे कहते हैं जीवो माया कहा जाता है, जड़ो माया भी कहा जाता है। जिस जड़ जगत आदि प्रकट आदि होते हैं उसके जड़ जगत कहा जड़ माया कहा जाता है। माया के अनेक प्रकार के विचार करके देखा है। माया के और भी कार्य कहा जाता है, माया के दो प्रकार का प्रवृत्ति कहा जाता है, वृत्ति कहा जाता है, वृत्ति टेंडेंसी। माया के दो वृत्ति, एक आवरणात्मक वृत्ति और एक इच्छेक आत्मिका वृत्ति। आवरण जीव के क्या करते हैं आवृत करते हैं, जो जीव भगवान की भूल करके और भगवान के भजन नहीं करके इस संसार की चाकचिक को देख करके उसके भोग करना चाहती है तब उस समय वो माया क्या करती है ना, उसको पकड़ करके उसके ऊपर एक आवरण डाल देती है। क्या आवरण डाल देती है, ये पांच भौतिक शरीर दे देते हैं, स्थूल शरीर और उसके पश्चात उसके अंदर में और एक शरीर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर आदि दे करके उसके अच्छी तरह से पैकिंग कर देते हैं सत्व रजतम गुण आदि के द्वारा उसको आवृत नहीं बांध देती है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के दर्द आवृत हो गया, कवर हो गया, और इसके पश्चात उसे क्या कर देते हैं तीन गुण, माया के जो तीन गुण है सत्व रज और तम गुण के द्वारा उसको क्या कर देते हैं बांध देते हैं। ये माया के इतने कार्य हो जाता है। इसके बाद माया के दूसरी कार्य क्या होता है विक्षेप, विक्षेप आदमी का विक्षेप माने टू थ्रो, इस संसार में उसको फेंक देते हैं। इसलिए हम लोग आगे भगवान के भूल गए है, अनंत काल से इस संसार में हम चलते जा रहे हैं, किंतु कभी इस प्रकार संसार में भ्रमण करते करते जब साधु रूपी गुरु वैद्य प्राप्त हो जाता है और उनके उपदेश मंत्र पालन करने पर और धीरे धीरे माया छूट जाती है और फिर भगवान का हम प्राप्त कर लेते हैं, यही कहते जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है, क्या समझ में आता बात होता कहाँ तक समझ में आया बताओ। माया में उलझते रहते जब साधु सब मिलने लग जाते हैं यानी सतगुरु के पास जब आ जाते हैं और उनके मंत्र उपदेशों को ग्रहण करते हैं जब भजन करते हैं तो फिर उसके बाद माया छूट जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब तक भजन नहीं करोगे और तब वो माया छूटेगी, वो छूटेगी नहीं जाएगी नहीं है। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे बजे प्रवर्तन्ते माया में तम तरंती थे, गीता में भगवान कहते हैं मेरा जो दैवी माया जो है वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए दैवी माया है महामाया। वो मेरा जो आशु ने करने शेयर लेकर के उन चला जी, इसलिए कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे बजे प्रबद्धन्ते माया मेतां तरन्ति, इसलिए
भगवान के सर, भगवान के चरण में हमको क्या होनी चाहिए, शरण प्रणाम होनी चाहिए। यही कहते यार है, जब तक भगवान के शरण, माया की अनेकों कहा जाता है, भगवान जो लीला आदि करते हैं किससे करते हैं, वो जोग माया के तहत करते हैं। नाहं प्रकाशो सर्वस्व जोग माया समाप्तम, मेरे स्वरूप के जो है कोई समझ नहीं पाएंगे, क्यों, मैं अपने के जो है जोग माया के द्वारा मैं आवृत करके रखता हूँ, ढक करके रखता हूँ। जीवों के भगवान ने किया करते हैं, महामाया के द्वारा आवृत करके रखते हैं, और स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा वो छुपे रहते हैं। इस गीता में वही नाहं प्रकाशो सर्वस्व जोग माया, मेरे प्रकाश जो है वो सब अनुभव कर नहीं पाएगी, यही माया के यही का अधिकार है। रस भगवान भी रास भी लीला आदि की रस लग कैसे किया, अपने जोग माया के द्वारा। भगवान भी तारत्रि सरदुल्ल मल्लिका भिक्षुरंत्रु मनश्चक्रे जोग माया उपासितम, जोग माया के द्वारा ही भगवान सारी लीला आदि करते हैं, ये कहने के तात्पर्य है। क्योंकि भगवान की जो लीला, जो माया तो भगवान की दासी है, तो जो माया भगवान की क्या है, दासी है। दासी व दास के कार्य क्या है, भगवान के आदेश को पालन करना है, भगवान के आदेश को पालन करना, ये उनके कार्य होता है। जैसे को, जैसे कोई मालिक सोए हुए हैं, मालिक ने अपने सेवक व दास को कह दिया इतने समय, इस समय हमें जगा देना, तो उसके दास क्या करते हैं, ठीक उसी समय मालिक को जाकर के जगाते हैं। तो इसके मतलब नहीं है जो वो श्रेष्ठ हो गया, कौन, दास श्रेष्ठ हो गया। दास के कर्तव्य क्या है, मालिक के आदेश को पालन करना, इसलिए करते हैं। क्यों, कई कई कहते हैं भगवान को जो जगाते हैं तो श्रेष्ठ हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि भगवान के आदेश सब कुछ कार्य करते हैं। माया दक्षिण प्रकृति श्रोति सचराचरम हेतु अनन कुंती जगत भी परिवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं मेरे अध्यक्षता से, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस, ये प्रकृति जो कार्य आदि करते जा रहे हैं, समय पर सब कुछ होते जा रहे हैं, समय पर सूरज पूर्व दिशा पर उठते हैं, समय पर सूर्य अस्त हो जाते हैं, हवा चलती है, बारिश होती है, जो कुछ भी चल रहा है, ये सब भगवान की उनकी इच्छा से है। एकदम माया दक्षिण प्रकृति श्रोते सचराचर, प्रकृति उन्हें नहीं चाहे, ये जो कुछ भी होते जा रहे भगवान की इच्छा से, कहीं डायरेक्ट रूप में कहीं इनडायरेक्ट रूप में ये चलते जा रहे हैं, ये समस्त लीला आदि चलते जा रहे भगवान की, जो अनंत काल से चलते जा रहे, तो इतना ही समझना चाहिए बस। गौर सुंदर की जो लीला हम लोग समझ रहे हैं, ये गौर लीला और कृष्ण लीला, ये दोनों लीला ही एक ही है एक्चुअली, क्योंकि एक क्या बोले कॉइन के दो पीठ माना जाता है, एक तरफ औदार्यमय लीला गौर लीला और एक तरफ माधुर्यमय लीला कृष्ण लीला होती जा रही है। इस मतलब लीला आदि चलती जा रही है, ये लीला किससे चल रही है, भगवान की इच्छा से। ये लीला जितने भी हम देख रहे हैं, क्यों हम कंपेरेटिवली हम लोग आलोचना कर रहे हैं, ये जोग माया और महामाया कार्य क्या है,
है और कुछ नहीं है। एक्चुअल वास्तव रूप में भगवान की शक्ति तो एक ही है, एक शक्ति है, अनेक उस क्रिया आदि करते जा रहे हैं, तो उसके विभिन्न नाम से उसके हम कहते हैं, समझ में। जैसे ये बिजली है, है? ये बिजली जो है एक ही शक्ति है, किंतु अनेकों क्रिया के द्वारा उसके कार्य जीते जा रहे हैं। पंखा घूम रही है, लाइट जल रही है, है? अच्छा, तो ये क्या करते हैं, एक ही जो है कोई बिजली के पंखा के घुमा रहे हैं और लाइट को रश्मि दे रहे हैं। तो उसी प्रकार शक्ति एक ही है, किंतु अनेक क्रिया आदि होते रहते हैं, इसको समझना चाहिए। बस एक ही शक्ति, वो शक्ति क्या है, स्वरूप शक्ति सवार ऊपर है। जितने भी शक्तियां जो है वो एक ही शक्ति अनेकों क्रिया आदि करते जा रहे हैं, कार्य आदि होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं शक्ति शक्तिमान और दैव अभेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, है? और वो शक्ति की जो जो क्रिया आदि वो अलग अलग होता है, उसके अलग अलग नाम भी कहते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं उसी से, है? और कुछ नहीं, इतना ही जब हम समझ लेते हैं तो हमारे काम हो जाते हैं। किंतु अद्वैतवादी लोग एक शक्ति को मानना नहीं चाहते, अद्वैतवादी जो लोग है मायावादी शक्ति को नहीं मानना नहीं चाहते हैं। और ये शक्ति के बारे में कहा गया, एक जीव शक्ति है, शक्ति है, विभिन्नांश शक्ति, इन नाम में परिचित है, ये शक्ति शरीर कहते हैं चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति से कार्य है। चित शक्ति के द्वारा भगवान चित जगत आदि प्रकट करते हैं, जीव शक्ति के द्वारा भगवान ये जीव आदि को प्रकट करते हैं। हम लोग कहाँ से आए, जीव शक्ति से आए, भगवान की जीव नामक शक्ति है, वो जीव आरती के आरती पर आसमें, ठीक है, एवं तब काजी अच्छे प्रवचन जाओ, क्या बोला, हाँ क्या बोला, आपने बोला कि जीवों की उत्पत्ति जीव नामक शक्ति से हुई है, अरे एक ही नाम है, एक नाम है जीव शक्ति, तृष्णा शक्ति और विभिन्नांश शक्ति, नाम तो एक ही है। तटस्था मर्जिनल एक्चुअली कोनो तट सब तटस्था बट तट नाम से कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। कोई तट किसको कहा जाता है, जहाँ पर जल भाग और स्थल भाग के मिलन स्थल के कहा जाता है तट कहा जाता है। क्या बोला, तट कहा जाता है, किंतु ये कभी कभी आगे होता है, ऊंचा हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। जैसे नदी में यदि क्या बोलते ज्वार आ जाए तो पानी बढ़ गया, तो उसमें तीर में उसमें क्या होता है, ऊपर जगह जा करके वो स्थान को कवर कर लेते हैं। फिर जब पानी जब नीचे उतर जाते हैं, वो जल की लाइन किसी का नीचे आकर के वो लग जाता है। देखा कि नहीं देखा, केवल वास्तव रूप में इसलिए कहा जाता है, इसलिए जैव धर्म में कह रहे हैं ये वास्तव रूप में तटस्थ नहीं होता है, तथापि समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, जीव तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुई है, इसलिए कहा है तटस्थ शक्ति। कहने की यही तात्पर्य है, जीव चित जगत में भी जा सकते हैं और माइक जगत में भी आ सकते हैं। जिस जीवों ने भगवान की तरफ उन्होंने मुख मोड़ लिया, वो भगवान की तरफ चले गए, और जिस समस्त जीव माया के तरफ मुख मोड़ लिया, इस माइक जगत में आ गए, सीधी बात। तो हम लोग किसके तरफ मुख मोड़े माया के तरफ आ गए, इसलिए हम लोग इस जगत में आए हैं, और कोई कारण नहीं है।
जीवों की उत्पत्ति के बारे में तो अनेक कथा बता दिया, किंतु जैसे कुछ जीव होता है क्या बोले संकर्षण से प्रकटित हुए हैं, और कुछ जीव बलदेव प्रभु से प्रकट हुए हैं, और एक जीव संकर्षण और एक कर्णदोष साई विष्णु से प्रकट हुए हैं। ऐसे जीवों की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है, समझ रहे। जो बलदेव से जो जीव प्रकट हुए हैं वो साक्षात कहाँ चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए। और जो जीव संकर्षण से प्रकट हुए हैं और वो जीव वैकुंठ में चले गए, और जो कर्दक से विष्णु से प्रकट हुए हैं वो दो प्रकार के जीव होता है, एक बद्ध और एक मुक्त जीव है। और वही जीव जो है कुछ वैकुंठ में गए है, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और जो जीव वहाँ से प्रकट होकर के इस माया के चाकचिक को देख करके माया में मोहित हो गया, समझ में। माया के चाकचिक को देखा है, माया बहुरूपी नहीं कहा गया शास्त्र में है, अनेक रूप धारण करके जीवों के मोहित कर लेती है, इसलिए उसके कहा जाता है पिशाचिनी के साथ तुलना दी गई। पिशाचिनी पाइले जनो मदिच्छन्न है मायाग्रस्त जीवेन सेभाव उदय है। पिशाचिनी समझते हो किसको कहते हैं, विच घोस्ट, वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप धारण कर लेते हैं और जीवों के डराती रहती हैं है, ये करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं पिशाचिनी पाइले जनो मतिच्छन्न होय मायाबद्ध जीवेर सेभाव, इसके भूत पकड़ ले तो उस समय वो व्यक्ति अपने नहीं बोल रहे, परिचय नहीं दे रहे, वो किसके परिचय देते हैं, वो भूत की परिचय देते हैं। आज मैं इस समय हम लोग अपने परिचय नहीं दे रहे, अपना परिचय क्या है, परिचय इटर्नल एंड आइडेंटिटी, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अपने स्वरूप है हमारे पास कृष्ण दासत्व आदि जो है ये हमारे पास है कृष्ण प्रेम, इसी को कहते हैं। किंतु अभी माया के द्वारा मोहित होकर के अपने परिचय नहीं दे रहे, मैं कृष्ण दास हूँ ये परिचय नहीं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, शरीर और शरीर संबंधित वस्तु के परिचय हम देते जा रहे हैं, शरीर और शरीर से संबंधित जो वस्तु जो है, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ है, इस शरीर के शरीर का तो विचार है, और उसके द्वारा हम मोहित होकर देते जा रहे हैं। आगे आप कुछ भी लिखें, आपके लिखा लिखने के बाद एम और एफ लिखना पड़ता है, मेल और फीमेल लिखना पड़ता है, किंतु वास्तव है क्या चीज, आप है कौन, भगवान के दास, नाहं विप्रो न च नरवती न विशेष शुद्र गृहस्थ वर्णी जतिर्वा, किंतु प्रद्युम परमानंद पूर्ण मुताब्दी गोपी भोर्तुर पदकमलुर दासान दास, गोपी भोर्तु पदकमल, गोपियों की ये प्राण प्रियतम कृष्ण है, आज वही कृष्ण के दास ही हमारे स्वरूपगत परिचय है, किंतु अभी हम माया के द्वारा मोहित होकर के वो स्वरूप क्यों भूल गए है। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं जीव गठन के समय वो एक पोटेंशियल है उसमें है, वो भजन करते करते वो प्रकाशित होगा, जैसे एक बीज है, बीज के अंदर में वो पोटेंशियल है, उपयुक्त परिमाण पानी हवा और मिट्टी आदि
प्राप्त होने पर वो जीव एक वो बीज क्या बजता है, अंकुरित होता है, फिर जीव अंकुरित होकर के पौधा, पौधा होकर के वृक्ष आदि बन जाता है, यही तो कहते जा रहे। ठीक तद्रूप उसी प्रकार आपके हृदय में है, सबके हृदय में है, उसके लिए क्या चाहिए ना, साधु संग, और साधु संग में हरि कथा आदि के द्वारा धीरे धीरे वो विकसित होगा, है आज में, और कुछ नहीं है। विषय अत्यंत सरल है, किंतु हम लोग उसके जटिल करके समझना चाहते हैं। समझ में क्या बोला, विषय तो सरल है, और किंतु हम लोग घुमा फिरा करके बहुत कुछ के सुनना चाहते हैं, और शास्त्र में उसी प्रकार की कहा गया है आपके पास है, केवल साधु संग के द्वारा उसको प्रकाशित करना है। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सत्य को बुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, श्रवण आदि करते करते है वो धीरे धीरे विकसित होगा, प्रकाशित होगा है, और कुछ करना नहीं है। और इसलिए हाँ, जिस कथा प्रसंग हम रहते हैं, क्योंकि पौर माया, माया के शब्द जो हम जो करते जा रहे हैं, एक जीव माया होता है, एक गुण माया होता है, अनेकों माया के बारे में कहा गया है, तो ये समस्त विचार अब देख गया, अभी तो जाना पड़ेगा, नहीं लोग लोग नाराज हो जाएंगे। निधार घाट के निर्दय से निर्दया हो गया, क्या बोला, निर्दय माने कठोर हृदय, निष्ठुर हृदय हो गया, किसके कौन निष्ठुर हृदय हो गए, संग निमान। इस संसार में सबसे बड़ी कठिन बात क्या है, अपने प्रियजन के छोड़ देना, छोड़ सकते हैं आप, जिसके साथ प्रीति लग जाता है उस व्यक्ति को छोड़ना इतने सहज नहीं है, हैं? आज समझे बोले, जिसे उदाहरण देते हैं, जैसे देखो गुरुदेव उदाहरण दे रहे, जैसे रस्सी है ना, रस्सी में गांठ लगा दो है, फिर उससे क्या करो, आग लगा दो, केरोसिन तेल डाल दो, आग लगा दो, रस्सी तो जल गई, किंतु वो जो गांठ जो है वो रहता है, रहता कि नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जीवन की सबसे कठिन कार्य क्या है, अपने प्रिय वस्तु के त्याग देना, कठिन है, कठिन है कि नहीं, थोड़ा विचार कर ली, इतने सहज नहीं है, है? क्योंकि अनंत काल से, अनलिमिटेड टाइम से हम लोग संसार में घूमते जा रहे हैं, और ना जाने कितने गांठ लग चुके, एक नहीं गांठ समझते हो, लग चुका, लगा हुआ है, एक के छोड़ा छुड़ाना तो संभव ही नहीं है, इसलिए उसको छुड़ाने के लिए व उससे मुक्ति कर, उसके क्या बोलते हैं है? छुड़ाने के लिए उपाय क्या है, शास्त्र रूपी तलवार के द्वारा उसको काटना, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, गुरु और शास्त्र वाक्य रूपी तलवार के द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, समझ में आ रहा है, इतने ग्रंथ ग्रंथि माने इतने गांठ तो लग चुका है, फुल का है, कहाँ से खोल पाओ, इसलिए उसको खोलने के लिए उपाय क्या है, तलवार व्यवहार करना, वो तलवार क्या है, शास्त्र रूपी है जो उपदेश वाक्य है, किंतु कोई नहीं समझे, बारे समझना नहीं चाहते, कटेगा नहीं, इसलिए तो भागवत में कह रहे हैं विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया,
सबसे बड़ी हमारी खतरनाक गांठ क्या है आप बताओ? इस स्थूल शरीर में है? हम जो देहात्म बुद्धि करके रखे हैं, देह रूपी आत्म बुद्धि करके रखे, ये देह शरीर के हम आत्मा समझ कर बैठे हैं। आत्मा और देह अलग वस्तु है, किंतु ये एक दोनों के साथ ऐसे जुड़े हुए है, उसको छुड़ाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कहते हैं देहात्म बुद्धि ही जीवों की सबसे बड़े जो है बड़ा जो है अनर्थ का है। बाधक और दुखदायी दोनों ही है। क्या जी? बाधक भी है और दुखदायी भी है। जहाँ पर बाधा होती है तो दुख होता है, तो इसलिए कह रहे हैं जो हम जो निर्दय इसलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर सारे माया मोह के त्याग दे करके और ठंडी के समय और गंगा में कूद गए और गंगा के पार करके कंटक नगरी कटवा में पहुंच गए। इसलिए कह रहे हैं तप्ता सुदस्तुज श्रीशुद्ध राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा जत कारण अरण्यम माया मृगम दैत ईप्सिता अन्नधाव दत्तन वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तप्ता सुदस्तुज श्रीशुद्ध राज्य लक्ष्मी महापुरुष की इतने जो विशाल जो वैभव है गौर इतने विशाल वैभव और सारे वैभव के उन्होंने क्या की त्याग दिए थे। उनके वैभव क्या है? इतने विशाल पंडित जो है क्षति जिसको कहा जाता है निमाई पंडित कोई साधारण नहीं है। हमें थोड़ा सा पंडित तो आ जाए विद्या आ जाए उसको त्याग देना बहुत कठिन होता है। पंडित तो है नहीं, कोई कहते मूर्ख है हमारे कोष गुरु जाता है और कोई मुझे कहते हैं पंडित जी हमें आनंद होता है कि नहीं है? है तो मूर्ख जी मूर्ख आनंद और जब पंडित जी करके कहते हैं तब आनंद होता है। हम जब जो कहते हैं पंडित जी देखो सबका आनंद होता ही है। तो ये समझते करें चैतन्य महाप्रभु ने किया कि सारे वैभव को त्याग दे दिए। तत्ता सुदस्तज्ज सुदुस्तज्ज सुरेप्सित बड़े बड़े देवता के लोगों की जो इप्सित अंकित वस्तु है। इस संसार में कोई व्यक्ति है धन जन परिवार स्त्री पुत्र परिवार धन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? बद्ध जीव के तो यही लक्षण है, चाहते हैं सब। और यदि मिल जाए उसको छोड़ना इतने सहज नहीं है, है? पत्नी को छोड़ देना इतने सहज है? है? हाँ उस पत्नी को आप छोड़ सकते हो जो आखिर फेर बना है, आखिर फेर समझते कि नहीं है? वो भी छोड़ना इतने सहज नहीं है, एक के छोड़ दिया दूसरे दूसरे के तीसरे चौथे चले जाते, छोड़ना इतने सहज नहीं है, है? अरे वही तो ऊपर से छोड़ने से छोड़ना थोड़ी होता है, मन से छोड़े तब छोड़ना होता है, यही तो होता है, छोड़ना इतने सहज नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं सीता देवी कह रही है जी राजा राम ने रानी सीता को त्याग दिया किंतु राम कवि सीता को त्याग नहीं दिया। समझ में? राजा राम ने रानी को त्याग दिया सीता के नहीं। ये समझ तो विचार थी क्योंकि हम इसको कहते इसलिए कहते हैं रामचंद्र की है भगवान रामचंद्र की सीता की तो नित्य क्या है सर्वशक्ति सर्वे लोग शिक्षक इसलिए करते इसलिए कहते हैं भगवान महाप्रभु की लीला में दिख तप्ता सुदिश्चंच सुदुश्चंच सुरेप्सित सुर माने देवताओं के भी
इच्छित माने आकांक्षित। देवता लोग भी चाहते हैं, धन जन परिवार कोई कौन नहीं चाहते हैं। राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी धन संपत्ति आदि सभी चाहते हैं, हमारी वैभव बढ़ जाए। किंतु महाप्रभु ने किया कि अपने समस्त कुछ शौर्य वीर लाभ पूजा प्रतिष्ठा सभियों के त्याग दे दिए और त्याग दे, इतना ही तक भी अपने माया मोह भी त्याग दे दिए। वृद्ध माँ सचिद भी एक बार भी सोचे नहीं ये मैं सन्यास लेकर के चले जाऊँ, मेरे वृद्ध माता उनके क्या हो। बड़े भाई विश्वरूप तो सन्यास लेकर पहले ही चले गए हैं, और अपने पत्नी कौन, विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया तो पहले ही चली गई और अभी रह गए कौन, विष्णु प्रिया, पत्नी को भी त्याग दी है। सन्यास मतलब के सम्यक रूप ने नाश तब तक यही तक इसी का तत्ता सुदिशा सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य वचसा ब्राह्मणों की वचन को रक्षा करने के लिए है। भगवान चैतन्य महापुरुष को भी स्वीकार कर ली, वो कब की कथा, जब चैतन्य महाप्रभु शिवास जी के गृह में दरवाजा बंद करके कीर्तन कर रहे थे, उस समय एक ब्राह्मण आकर के दरवाजा खटखटाए, किंतु उस समय सभी लोगों ने किया कि नाम में इतने डूबे हुए थे, सब नाम कर रहे थे, हरिनाम नाम संकीर्तन कर रहे थे है? किसी के सुनाई नहीं पड़ा। और वो ब्राह्मण ने किया कि एक बार दो बार ऐसे खटखटाया, किसी ने दरवाजा खोले ही नहीं। तब वो ब्राह्मण ने किया कि महाप्रभु के अभिशाप दे दिया है, तेरा संसार दशा नाश हो जाए, तंग्स हो जाए है। अच्छा किसी के ऐसे बोल दिए वो प्रसन्न होंगे है? आप अपने बताओ है, किसी को कह जा तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए, सबसे बड़ा क्या पति मर जाए, पत्नी मर जाए कहने के तो सहन लेते, बेटा मर जाए आप बताओ सहन कर पाओगे कोई, बेटी मर जाए तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर से देखो देखो, यदि कहर मैं कहर हूँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, फर्क होता है कुछ, वो बोलता रहता है सब है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में बेटी जो होते हैं ना पराई हो जाती है और बेटा अपने ही रहता है, बोलना तो सहज है किंतु वास्तव में रियलिटी क्या है, बराबर तो है वो, किंतु जो विचार करके देखे बराबर कहाँ हो रहे हैं, कोर्ट में बराबर होता है सब, आईन में बराबर होता है आप समझ में नहीं है, है? वो उदाहरण देते हैं ना, शादी के समय शादी हो गया, शादी में उसके उसकी बेटी की विदाई कर रही है, दोनों रो रही है, माँ और बेटी रो रही है, दामाद कब तक खड़े रहे, पलकी में बैठना है ना है, वो नहीं आ रही, अरे चल चल बुझा नहीं, वो नहीं जा रही है। बेटी क्या करती है, एक बार पिताजी की पकड़ लेती है, रोती है, फिर पिताजी से फिर माँ को मासी को जितने भी संग है पकड़ लेती है कि नहीं, थे आप लोग रहे कि नहीं रहे, चलो आप लोग है। तो यह जमात कर रहे कब तक तुम ऐसे, कब तक ये तुम्हारे करते रहोगे भाई है, 2 घंटे तो हो गया, रोते रोते से 4 बजे से लेकर के 6 बजे गया नहीं, अरे कब तक बैठे रहे किसी तरह से, माँ के सास के पूछे भाई क्या बात, कब तक तुम लोग ऐसे रोते रहोगे, अरे ऐसे करते रहोगे, इस कर इस कमरे से उस कमरा, इस कमरे से जाते हैं सर चल। तो वो कह रही है माँ कह रही है बेटी ये आज जो है हमारे करना, हमारे रोना जो है अंतिम है और तेरा रोना शुरू घात हो गया क्या बताया,
तेरा रोना अभी शुरू है, सांस है ना उधर तुम्हारा, सांस समझ में आ जाएगी। अरे बात सही है कि नहीं, सबके घर में नहीं है जिसके भाग में कर रहा चाहिए, कोई बात नहीं है। तो उसी प्रकार संसार भी यही है, है? आगे इसमें नहीं, इसलिए तो इसलिए कहते ना हम दो और हमारे दो, और पिता माता कहाँ जाए, बोले अलग कर जो तो परिवार आजकल वो कहाँ है बताओ, है धीरे 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 कहते भाई ये तो वृद्ध हो गया इसको अलग कर दो, है वो बहुत कथा सुनाते रहते हैं, हम सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, कभी कभी जो मौका मिल जाते है सुना देते हैं, है होता है कि संसार में है तुम्हारी रोना ही शुरू हो जाएगी, बस इसके कारण तेरा रोना शुरू हो जाए। इसके समझे अच्छी तरफ से है, आप जो कह रहे बेटा बेटी तो समान है, आपके बेटा नहीं है इसलिए कह रहे बेटा बेटी समान है, बेटा ही होते तब तब पता चलता बेटा बेटी के समान कैसे है, है? हो सकता नहीं है, है। कहना एक है और करना ही है। अरे आसक्ति तो आसक्ति तो है, जो कह रहे हूँ वो आप समझो, सब बेटा रहे तो आपके पास रहे, चलो रहेगा, है शास्त्र में भी वचन कहा गया है, शास्त्र में कहा गया, स्त्रियों के लिए भी कहा गया, बाल्य काल में जो है जो बच्चा रहती है, बच्ची होती है ना, बच्चे के कर्तव्य क्या है, माता पिता के अनुगत्य में रहना, जब बड़ी हो जाते शादी होते है पति के अनुगत्य में रहना, है पति के अनुगत्य रहना पड़ता है, और जब वृद्धा हो जाते किसके अनुगत्य में रहना पड़ता है, बेटा के अनुगत्य में रहना पड़ता है, रहना पड़ता है कि नहीं, तो आप बताओ तो कहाँ है, बेटी तो पराई हो गई, कुछ भी कब कहे है, बेटी हो आपको देखने के लिए आ जाएगी, आप बीमार हो जाओ वो दो चार दिन के देखने के लिए आ जाएगी, फिर चले जाएगी, क्योंकि कहते हैं हमारे बेटा के लड़के बेटा के बेटी के जो है अभी क्या है, हाँ एग्जाम है जाना है, बोलना तो सहज है, घर संसार की कथा ही सब कथा है कि नहीं है, है? तो कहाँ हो गया, और बेटा तो आपके घर में ही है, बेटा सबके बेटा तो समान नहीं है, तब भी कह रहे हैं बेटा तब अभी दिखेगी, है बेटी कहेगी नहीं कहेगी, तो फिर वो जो कुछ भी बोले केवल लॉ तो बना दिया, नियम तो बना दिया, सब तो बना दे दिया, किंतु वास्तव बता क्या है, है? और बेटी हो तो उसके लिए पैसा खर्च करो और भी करना पड़ता है कि नहीं, शादी विवाह नहीं लगते हैं, बहुत लगते हैं, लिखा पढ़ा से किसी का इतने पढ़ा खर्च किया और भी शादी में भी करोड़ रुपया खर्च करो, तो आप जो कह रहे हो भाई बराबर है बराबर है बराबर है, कहाँ बराबर हुआ, हुआ जिसकी बेटी है उसके सिर पर 20 हाथ पानी है भाई, उसके सिर के ऊपर कितने पानी है, 20 हाथ पानी पड़ा पानी है, समझ में आ रहे कि नहीं, जिसके नहीं है तो कोई, जिसके बेटी नहीं है तो कोई चिंता ही नहीं, उसके तो माले माल आता है, आ समझ में नहीं, हम हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की कह रहे हूँ, विदेश के नहीं, विदेश के तो चलो आज भारतवर्ष, इसलिए तो भारतवर्ष में भी ऐसी भी हो गया है, समझ में आ रही कि नहीं, विदेश में हो गया बस अपने 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 देख लेते हैं सब, है आज समझ, किंतु हमारी भारतीय सभ्यता के बेटा बेटी की शादी कराना पड़ता है कि नहीं पड़ता, बेटी के लिए तो और भी चिंता, माता पिता के क्या होते हैं, सिर दर्द होता है, सिर दर्द है कि नहीं तुम्हारा, है आपके सिर दर्द है नहीं है, क्या आपकी बेटी है ही नहीं, वो कि एक ही बेटी है आपके पास, कौन है, राधा जी है, बोलो वृंदावन है, हाँ समझो नहीं, हाँ
को यही कहते जा रहा हूँ। मैं घर संसार की कथा इसलिए कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है क्या, ये चैतन्य महाप्रभु ने किया कि तप्ता सुदृष्टज सुरेपित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा। आर्य वचसा कहने की तात्पर्य है आर्य माने ब्राह्मण, ब्राह्मण के वचनों को रागने के लिए। वो ब्राह्मण ने क्या वचन दिया, अभिशाप दिया, यह तेरा सारे संसार सुख ध्वंस हो जाए। भगवान को भी अभिशाप लगता है भगवान, किंतु महाप्रभु ने स्वीकार कर दिखाती है संसार जीव के दिखाने के लिए, और कोई कारण नहीं है, है? इसलिए चैतन्य महापुरुष जो सन्यास ले रहे हैं, इसलिए कहते तप्ता सुदृष्ट सुरक्षित राज्य लोकसीम धर्मिष्ठा आर्य वचसा जत कारण अरण्यम। और महाप्रभु सन्यास लेकर कहाँ जा रहे हैं, वन के ओर जा रहे हैं। सन्यासी कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आ समझे। इसलिए परम गुरु महाराज जी ने पूछा, एक वकील ने पूछा, ये शास्त्र में लिखा है साधु तो जंगल में रहेंगे भजन करेंगे, है? देखो कितने परम गुरु महाराज कैसे सुंदर उदाहरण। एक वकील ने परम गुरु महाराज के कहा, ये आप लोग साधु है, हमने सुना साधु लोग जो है जंगल में रह करके एकांत स्थान में रह करके वो भजन करते हैं, है? तो आप लोग एक बड़े बड़े मंदिर बनाया है, अच्छा वैभव में रह रहे हैं, आप लोग जंगल में कहाँ रह रहे हैं? परम गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं हम लोग जंगल में सब रह रहे हैं। बोले कैसे, बोले आप लोग सब पशु है ना, सब सब पशु है। देखो परम गुरु महाराज कैसे उदाहरण दिए, जो हरि भजन नहीं करता है वो दीपक पशु कहा गया, समझ में आ रहे? क्या दो पैर वाले पशु है, एक चतुष्पद होता है और एक द्विपद वाले पशु है, सब चतुष्पद समझते कि नहीं, चार पैर वाले पशु होता है, है? जो हरिभजन नहीं करता है उसी का शास्त्र में कहा जाता है वो क्या बोला, दो पैर वाले पशु है। इस्लाम तो जंगल, जंगल में कौन रहता है, पशु रहता है, तो आप लोग सब पशु है, और पशु के क्या करना है, मनुष्य बनाना है। देखो विचार कैसे दिए, इसलिए तो हमारे शास्त्र में कहते हैं पैसे पहले तो मनुष्य बने, जो मनुष्य ही नहीं बने हैं पशु क्या करें, आज मनुष्य बनना पड़ता है ना, पशु से हमें क्या बने, मनुष्य तो बने है, हम लोग तो पशु से अधम पश्चादम कहा गया, पशु से भी अधम पश्चादम है। शास्त्र की वचन है, परम गुरु महाराज के ऐसे नहीं बोलते थे, शास्त्र युक्ति थे। जो जीव भगवान के भजन नहीं करता है, जो मनुष्य है भजन नहीं करता, वो तो पशु ही है। कैसे पशु है, आहार निद्रा भय मंच सामान्य ये तो पशु भी न रहना, धर्म ही तेसंग अधिक विशेष धर्मे न ही ना पशु भी समान है, हुआ कि नहीं। तप्ता सुदृष्ट सुरेपित राज्य लक्ष्मी, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे वस्तु के एक एक करके त्याग दिया। देवता भी ईप्सित माने आकांक्षित, ये वस्तु जो है उसके भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि ठुकराया, धन जन मान सम्मान है, विष्णु प्रिया जैसे पत्नी न भूत न भविष्यति, विश्व प्रयोग की भी उन्होंने एक तो सन तख्ता राज्य लक्ष्मी, विष्णुप्रिया जैसे पत्नी मिलना ऐसे संभव नहीं है, इसलिए सन्यास क्रम में वर्णन होते जा रहे हैं। जब से महाप्रभु के साथ निमाई के साथ विष्णुप्रिया के विवाह हुए, उनके पास उनके साथ वार्तालाप ही नहीं, क्यों निमाई सदा सर्वदा विद्या अध्ययन अध्यापन करने में लगे रहते हैं, नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं, उनके यही कार्य बस, कहाँ उनकी पत्नी के साथ हास परिहास कहाँ करें,
है, वर्णन है शास्त्र में, वर्णन है महाप्रभु, महाप्रभु की कथा जो है। प्रातः काल महाप्रभु की दिनचर्या कैसे था, प्रातः काल में उठे, गंगा पूजा, गंगा पूजा के पश्चात शिवाज जी के अंगन में आ जाते हैं, भक्त के साथ बैठ जाते हैं, हरि कथा नाम संकीर्तन आदि करते करते दोपहर हो जाते हैं, दोपहर के समय घर में आ जाते हैं, सची माता भोजन प्रस्तुत कर देते हैं, दोपहर के भोजन कर लिए है, फिर चैतन्य महाप्रभु ने निमाई नहीं की, फिर पुनः भक्त संघ में कई नाम संकीर्तन हरि कथा भी डूबे रहते हैं। विवाह आदि के तात्पर्य क्या होता है, किसके जिसके आप प्रति करते उसके लिए समय देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, निकलिए शादी किस लिए किया, अब बोलेगी बोलेगी नहीं बोलेगी है, हर संसार की यही कथा ही है, किंतु महाप्रभु ने किया कि दिनचर्या हम प्रबंधन करते जा रहे हैं, कभी तक हंस करके उनके साथ बातचीत भी नहीं किया ना, किंतु देखो जिस दिन संन्यास लेना है माघ महीन और महाप्रभु ने है, और उस समय विष्णु प्रिया के साथ कैसे हास परिहास की है, बोले देखो आज हमारे क्या है, आज हम लोग क्या मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, विवाह एनिवर्सरी है, मनाते हमें सजा दो है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु निमाई बोले आज हमें ये सजा है, और सजा बस है, इतने वर्ष के बाद ना जी निमाई कैसे शब्दवती बोलते जा रहे। उस समय विष्णु प्रिया देवी मन ही मन विचार करने लगे, ये जरूर नहीं कुछ है, कुछ होने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे कुछ लक्षण देख करके भी पता लग जाता है, बोले ऐसे कुछ होने वाला। यहाँ तक भी विष्णु प्रिया देवी प्रातः काल में जब गंगा स्नान करने के लिए गई तो उनकी दो जो है अपशगुन आ गए, क्या क्या, एक बेसर जो वो स्नान करने के समय खो गया पानी में चला गया, और दूसरी स्नान करके जब आ रही थी उनकी ये पैर की अंगूठी में चोट पहुंची, ये लक्षण ठीक नहीं है, तो विचार करने, और ठीक उस समय चैतन्य महाप्रभु निमाई उनके बोले देखो आज मेरा ये सजा हो जाए, आभास तो हो जाता है जो ही कोई वस्तु जो अब जाने वाले है और आने वाले है, कुछ नहीं कुछ उसके क्या हो जाता है, आभास हो जाता है, आभास हो जाता है। कुछ नहीं विष्णु प्रिया क्या कर रहे हैं, पहले आज जाने नहीं देंगे, भोजन आदि करके महाप्रभु सोए सुंदर क्या बोले बिछौना सजाया सब सोए, विचार करने लगे आज तो निमान चले जाएंगे है, आभास तो हुआ, इसलिए उन्होंने की जान बूझ करके महाप्रभु के चरण दबाने लगे। अभी महाप्रभु निकले कैसे, इसमें बहुत सुंदर कथा है, निमाई सन्नास जो है सुनोगे तो आंखों से आंसू आ जाए, आंखों से आंसू आ जाए, वास्तव ही सुंदर है, बोले आज मैं अपनी निमाई के जैन महाप्रभु के चरण को मैं पकड़ करके रखूंगी, जाने नहीं दूंगी, इसलिए महाप्रभु तो जोगो निद्रा में सो है, और विष्णु प्रिया देवी ने उनके चरण को जो है ऐसे पकड़ कर रखा, किंतु कैसे उनके हाथ से कैसे निकल कर लेकर के आई है, तो उस समय ने किया कि स्वयं महाप्रभु ने जोग माया के जो है स्मरण किया, और जोग माया आकर के ने किया कि विष्णु प्रिया देवी की आंखों में जाकर के बैठ गई है, माया देवी बैठ गई, और इतनी तीव्र
है वो आ गए, क्या बोले निद्रा देवी आ गई। तथापि सोच रहे तो मैं जाने नहीं, किंतु क्या जो होने वाले है, आंख बंद है, सो गई। विष्णु प्रिया देवी सो गई, महाप्रभु के चरण पकड़ गई, किंतु धीरे धीरे महाप्रभु ने किया कि अपने पैर को उठा ले बाहर। विष्णु प्रिया देवी वहीं पर भी सोते हुए है। चित्र देखोगे तो टीवी देखोगे तो वास्तव आप रोते रहोगे, महाप्रभु के सन्नाश लगे है बाहर, महाप्रभु बाहर है, मातृ आदेश लेना पड़ता है। प्राचीन काल की ऐसे रीतियां हैं, सन्नास लेने के लिए मातृ आदेश लेना पड़ता है। माँ के आदेश कैसे लें, सोची माँ उनको भी आभास हो गई आज निमाई जाने वाले हैं आज। उस दिन निमाई ने किया कि श्रीधर से दो चीज लेकर के आए, एक है व्हाइट पंपकिन बोलते हैं लोग की, और दूसरी क्या है और केले की जो मोचा जो है महाप्रभु अत्यंत है। बोले माँ आज मुझे ये दोनों बना देना। माँ सची माता भी बनाए, निमाई के बहुत सुंदर रूप में आज उनको खिलाए है, बहुत प्रसन्न। किंतु बार बार विचार करने लगे आज के, क्योंकि अनेकों जो है आगे अनेकों घटना को देखा उन्होंने है। निमाई कैसे दीन हो गया, पहले था क्या पंडित निमाई पंडित था, अभी हो गया भावुक निमाई हो गया है। पहले ब्राह्मणों के साथ लड़ झड़ते थे है, ब्राह्मण लोग स्नान करते थे और महाप्रभु ने क्या करते, छोटा बालक ने कर पानी लिया, कुल कुच्चा समझते मुँह में पानी लिया उसको मुँह में छोड़ देते है। छोटे छोटे लड़कियाँ शिव पूजा अथवा दुर्गा पूजा आदि करते है, दुर्गा पूजा करते बस शिव पूजा करते हैं, बालू के द्वारा शिव मूर्ति स्थापन करके पूजा करते, बताशा लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। निमाई बालक ने किया कि उसके ऊपर बैठ जाते हैं, अरे इसके पूजा करके क्या होगा, मेरे पूजा कर है। शिव दुर्गा ब्रह्मा आदि अमार किंकर आमा पूजो आमी दिव बर, निमाई कह रहे अरे ये जो दुर्गा पूजा बा शिव पूजा आदि करते हो ये तो मेरा किंकर ही है, पर किंकर है, किंकर समझते हो, नकर है, नकर क्या देंगे, मैं तो मालिक हूँ, मेरे पूजा कर है। ऐसे करके बालक निमाई ने क्या करते थे, वो समस्त बालिका से पूजा की सामग्री कभी छीन लेते थे है। और कुछ बालिका जो भवन कर चले जाती, जो चले जाती थी निमाई क्या बोलते थे, ये हमारे पूजा नहीं किया जा, तेरा क्या होगी, बूढ़े जो है बूढ़ा पति मिलेगा है, पति बूढ़ा अच्छा है कि नहीं, उसके लिए अच्छा है जो बूढ़े पति जिसके पास करोड़ रुपया है उसके शादी कर है, वो तो जानते हैं 10 साल 5 साल के बाद मर जाएगा उसका हमारे हो जाएगा फिर जिसो देंगे बूढ़े पति कोई चाहते थोड़ी चाहते है। वो लड़कियां के डर जाते भाई हो सकता है ये बालक के मुंह से और कोई कुछ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, कहीं हमें वो हिसाब ना लग जाए, बूढ़ा पति मुझे मिल जाए, इसलिए वो समझते लड़कियां फिर आकर के निमाई के जो है वो समझ तो पूजा की सामग्री जो है बताशा समझते हो, बताशा फूल आदि ऐसे लीला आदि करते थे। किंतु आज निमाई के जो है और कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, भावुक निमाई बन गए है, भाव में आविष्ट है। क्या भाव में आविष्ट हो गए, गंगा में स्नान करने के लिए कोई ब्राह्मण व कोई व्यक्ति कपड़ा धो रहे थे, उसे कहते हैं मैं तुम्हारे कपड़ा के धो देता हूँ। कोई पानी लेकर के आ रहे उसे कहते हैं मैं तुम्हारे पानी को मैं लेकर जाता हूँ, ऐसे बन रहे हैं शास्त्र, भाव में आविष्ट।
नहीं मांगे ऐसे। तो ये समझ तो बन रहा, किंतु आज इसलिए सची माधवी और महाप्रभु सन्यास लेने के कुछ समय के पहले, दो एक दिन के पहले भी सबके इंगित भी दे दिया, डायरेक्टर नहीं बोले, इंगित दे दिया। सभी भक्त लोग रोने लगे, ये महाप्रभु सन्यास लेकर चले जाएंगे, नवदीप छोड़कर चले जाएंगे। उस समय महाप्रभु ने कहा जी मैं शरीर के द्वारा आपके पास रहती हूँ सदा सर्वदा, आपके पास तीन रूप में मैं आपके पास रहूँगा, नाम विग्रह स्वरूप, नाम के रूप में, विग्रह के रूप में और स्वरूप के रूप में। ये तीनों नहीं भेद, इस तीन में कोई भेद नहीं है। नाम रूप में मैं सर्वदा सदा स्वरूप आपके पास हूँ। महाप्रभु ने कहा सची मान, विग्रह के रूप में वो मैं साक्षात विग्रह हूँ और स्वरूप जमन स्वरूप। इसलिए महाप्रभु ने कहा सदा सर्वदा इसके पांच स्थानों पर मैं रहूंगा। उनके जो स्वरूप जी, कृष्ण स्वरूप, राम कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप, महाप्रभु के स्वरूप जी, चिन्मय स्वरूप जी, वो स्वरूप में जैसे जैसे जो भक्त जैसे होते हैं उस भक्त के निकट भगवान जो जो स्वरूप प्रकाश करते हैं, दास भक्ति के निकट दास स्वरूप प्रकाश करते हैं, बात्सल रस के निकट भगवान बाल गोपाल रूप में प्रकाश करते हैं, करते हैं कि नहीं, वो स्वरूप। तो जिस कथा मैं सुना रहा था पांचों स्थान पर मेरे सची रंगन है, सची माँ के घर गृह में और श्रीवास जी के गृह में, तीसरी नित्यानंद की नर्तन में, अद्वैत आचार्य जब कीर्तन करेंगे, माने अद्वैत आचार्य जब बुलाएंगे पुकारेंगे, अद्वैत आहर आह्वान अद्वैत जब बुलाएंगे। और पांचवा स्थान क्या है, राघवपीर घरे, राघव पंडित के गृह में, ये पांच ये स्थान पर मैं ही रहूँगा। तो सचिमा भी बाहर जो बैठी हुई है, या आज निमाई तो हमें छोड़कर ही चले जाएंगे, जा कैसे जाने है। माँ की सबसे प्रिय वस्तु क्या है, बेटा हुए ना, अभी बेटे के पास है, बेटी नहीं करी हो माता जी, क्योंकि सची मैया के पास पुत्र है, वास्तव है। पुत्र जो है, पुत्र स्नेह भूलना इतना सहज नहीं है, है? आ समझ में नहीं, माँ के हृदय में ये रहा, बेटा को कैसे। सचिमा भी जगी हुई थी बाहर अंगना आंगन में है, बरंदा में सचिमा, किंतु भगवत चैतन्य महाप्रभु फिर पुनः मुझे जोग माया के वहीं पर बुला ली और थोड़ी नींद आ गई, नींद जोग इतने समय है। निमाई क्या बोले, माँ मुझे जाने दो, इतने सुंदर कोयल के सर से बोलने लगे, कोयल होता है ना, जैसे कोयल जैसे सर से बोलते हैं पकते हैं, महाप्रभु के मुखारविंद के धनी मानो कोयल के धनी जैसे, समझ में, एज लव आई लाइक द साउंड ऑफ द। तो सची माता क्या कर रही है, कीर्तन में कह रहे हैं, अरे ब्रजे कोकिल ब्रजे जाना है, एक कोयल तुम तो ब्रज के हो, तुम ब्रज में जाओ, पर हो गया आदेश, हो गया ना इनडायरेक्ट रूप में। सन्यास लेकर के महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं, संकल्प किया क्या, सन्यास लेने के उपरांत महाप्रभु कहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे ना, तो इसलिए सची माता भी आदेश दे रही है, क्या दे रही है, ब्रजेर कोयल तुम ब्रज में जाओ, महाप्रभु के आदेश दे दिया, दिया कि नहीं दिया, समझ में आया कुछ, क्या बोला, तुम ब्रज के कोयल ब्रज में जाओ। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है कि नहीं, कृष्ण कहाँ के है, ब्रज में, तुम ब्रज में जाओ, आदेश हो गया, मातृ आदेश पालन करो, ब्रजेर कोयल वकील ब्रजे जाना महाप्रभु पर है। आगे गंगा पूजन आदि की, गंगा को कैसे त्याग दे, महाप्रभु की सबसे प्रिय क्या है,
एक गंगा जो है, आज गंगा को तैग दे करके जाना पड़ेगा। गंगा को तैग दे करके आज जाना, नवद्वीप गंगा है। वहीं पर बहुत सुंदर रूप में वर्णन है, गंगा सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है, गंगा सखी है, गंगा नदी है, अनेकों है, गंगा के स्वरूप अनेक है। वो देखे ना मेरे मधु स्मृता ग्रंथ उसमें लिखा है, गंगा की से महिमा दिखा रहे है, उसमें उसमें लिखा है सर, आज गंगा को देख, गंगा पूजन किया ही किया। फिर चैतन्य महाप्रभु की इतने कठोर हृदय क्यों बनाया, माँ को तैग देना इतना सहज नहीं है, सबके अब तैग दे सकते हैं, किंतु माँ को तैग देना इतना सहज नहीं है। जननी जन हुई सर्गाद की गरीब है, जननी और जन्मभूमि इतना सहज है। भगवान रामचंद्र भी वन में गए और अयोध्या की मिट्टी को लेकर के गए, सुना कि नहीं सुना, टीवी में देख रहा। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या छोड़ करके जब 14 साल के लिए जब वन में जा रहे हैं ना, अयोध्या की मिट्टी को लेकर जा रहे, जहाँ जहाँ पर जंगल में रहते थे वही मातृभूमि की स्मरण करते थे और अयोध्या की मिट्टी को सिर पर लगाते थे है। चैतन्य महाप्रभु वही भी लीला दिखा रहे है। आज नवद्वीप धाम को त्याग दे करके, गंगा जी को त्याग दे करके, इतने भक्त की स्नेह ममता प्रीति आदि त्याग दे करके जाना इतना सहज नहीं है, है? आज जो फकीर है कोई बात नहीं, जिसको हम तो कोई पूछता ही नहीं है चलो किंतु जिसके क्या बोलते हैं, जिससे प्रीति होता है उसको त्याग करके कहाँ जाए है। किंतु आज महाप्रभु सन्नास ले गए, सन्नास लेना है, इसलिए निर्दय कैसे हुआ, महाप्रभु की कठोरता कैसे बने, हृदय कैसे कठोर, ऐसे नवद्वीप वासी जिनकी स्नेह ममता प्रीति को एक अनूठा कहा जाता है, है? प्रेम एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ प्रेम होता है। जैसे नवद्वीप वासी महाप्रभु की स्नेह आदि करते थे, महाप्रभु भी उन लोगों के प्रति उसी प्रकार स्नेह आदि करते थे है? किंतु आज उनको त्याग देकर के सब जाना पड़ेगा। तप्ता सुदृष्ट सुरेश राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य वचसा मैंने कहा अर्थात ब्राह्मण की अभिशाप को स्वीकार करके है, रक्षा करने के लिए, वचनों की रक्षा करने के लिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सन्नास ले रहे हैं। अर्चवचन और माया मृगम, माया मृगम माया रूपी मृग की जो है उसके उद्धार करने के लिए महापुरुष सन्नास किस लिए ले रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं। माया मृगम इस संसार के जीव हिरण के भांति है, समझो अच्छी तरह से, माया मृगम इस संसार के जीव किसके भांति है, हिरण के भांति है। हिरण के एक होता है क्या, वो हिरण की जब प्यास लगते हैं ना, वो दौड़ते हैं पानी के लिए और दौड़ते दौड़ते वो चलता है जहाँ पर है, वो क्या बोले है, मिराज बोलते हैं, मृग तृष्णा हो जाता है, पानी सोच रहा है आगे पानी है, उसके तरफ दौड़ते रहते हैं, किंतु पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं सर, पानी तो प्यास बुझेगा नहीं, तथापि उसको चलते चलते गर्मी के समय है उसके पानी समझ करके, पीने के पानी समझ करके दौड़ते रहते हैं, वो जितना ही आगे चलते हैं वो भी वो क्या बोलते हैं, मिराज जो है वो आगे उसके और उधर उधर आगे चलते रहते हैं और अंत में गभीर मरुद्वान में, मरुद्वान समय तो डेजर्ट, डेजर्ट में पहुँच जाते हैं और जब चले जाते हैं वापिस नहीं आ पानी पाए और अंत में वो प्राण छोड़ देते। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव माया मृगम, माया रूपी मृग हिरण के भांति और वही संसार की स्थूल वस्तु के भोगने के चले जाते, भोग तो नहीं पाते, संभव नहीं है, और अंत में वहीं पर प्राण को त्याग दे देते,
यही तो संसार की, हम जिस कारण से आए हैं इस संसार में वो तो हम नहीं पालन नहीं कर रहे, किस लिए हम संसार में आए? भगवान की भजन करने के, आए थे भजन के लिए, ओटने लगे कबाश। हम सब आए हैं भगवान की भजन करने के लिए, किंतु हम लोग क्या कर रहे हैं? बस कंबल की रुई है ना, है उसके एक एक करके हम उखाड़ रहे हैं, अंत में कंबल तक नहीं रहेगा, गुरु के कंबल नहीं, एक एक बोल है, यही तो कहते जा रहे। एक से तत्ता राज्य लक्ष्मी धर्मेश जत कर तो माया मृगम दई तिपतम, क्यों महाप्रभु ऐसे माया मृग रूपी जीव को जो है उद्धार करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। महाप्रभु ये कह रहे हैं, हे जीव तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, भगवान के सबसे प्रिय क्या है? ये जीव है, है? समझ में आ रहा है? जोड़ नहीं है, जीव है। इस संसार में यदि जीव नहीं रहते, इस संसार के मूल्य क्या है? कुछ नहीं है। गृह है, घर है, क्योंकि घर में कोई व्यक्ति नहीं रह रहे, वो गृह कैसे बन जाता है? है शमशान बन जाता है, भूत पिशाच आकर रहता है वो। शमशान में कौन रहता है? भूत पिशाच। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, कोई मकान यदि 6 महीने लगातार कंटिन्यू कोई व्यक्ति नहीं रहे, उसमें आकर के भूत पिशाच जो है वो क्या कर लेते हैं? दखल कर लेते हैं। समझ में आ रही? दखल कर लेते हैं, है जबरदस्त भूत पिशाच रहते हैं। ठीक है, माया मृगम दे, आइए कथा, हाय हाय करते रहते, माया मृगम देते सीतम। भगवान महाप्रभु की इतने प्रिय कौन है? जीव है। भगवान ने सबको सृष्टि किया, अंत में जीवों की सृष्टि किया है। लॉर्ड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, भगवान ने सभी पशु पक्षी की सृष्टि किया, किसी गुस्से में संतुष्टि नहीं है। भगवान ने अंतिम में किसको सृष्टि किया? मनुष्य की सृष्टि किया। समझ में आए? यदि संसार में मनुष्य नहीं हो, मानव नहीं हो, है तो उसके क्या कोई मूल्य नहीं है? घर में यदि आपकी कोई पुरुष स्त्री कोई व्यक्ति नहीं है, है? दो चार गाय भैंस रख दिया है तो क्या होता है? जंगल होता है। गृह की शोभा क्या होता है? गृह की शोभा है मनुष्य होता है। गृह की शोभा रमणी होता है, रमणी गुणे संसार है कमनी, बंगला में हम लोग ये पढ़ते हैं। गृह की जो शोभा कैसी होती है? स्त्रियों के द्वारा, पत्नी के द्वारा है। आगे समझे, घर में यदि सीता नहीं हो राम क्या करें? बस सीता देवी तो वन में चली गई, वाल्मीकि के आश्रम में है, गए कि नहीं गए? रामचंद्र बोले हम क्या करें, इसलिए रामचंद्र ने किया कि सीता के भांति भी उन्होंने नीचे जो है बिस्तर, बिल्कुल बिस्तर लगा दी है। कहाँ सुंदर जो क्या बोलते हैं मखमली जो बिस्तर, उसे सोते नहीं थे रामचंद्र। जिस दिन सीता देवी वाल्मीकि आश्रम में चली गई, उस दिन से ही भगवान रामचंद्र ने बस ये बिछा ली है, क्या बिछा ली? चटाई बिछा ली, मान है सूखे सूखे पत्ते के जो है और वो कपड़ा दे करके एक गद्दा बना ली मान, और उसे बस लक्ष्मण देख रहे तो रोते थे, रामायण में वर्णन है कि घर में सुख शांति किसी के ऊपर निर्भर करते रमणी गुणे, रमणी स्त्रियों के द्वारा है। वास्तविक शास्त्री हमारे शास्त्र कहा गया है, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, वास्तविक सत्य तो यहाँ पर भी ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं। तो महाप्रभु
है, ये महाप्रभु के अत्यंत प्रिय कौन है? जी जी, बेसिकली मनुष्य जो है, जीव कहने से मनुष्य के लिए करे है, क्यों पशु पक्षी विचार तो गया ही नहीं, उनके लिए छोड़ो। आज वो जीव कहाँ जा रहे हैं? संसार के सुख भोगने के लिए, क्योंकि तो सुख नहीं है वो दुख है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जीवों की उद्धार करने के लिए आज संन्यास ले रहे हैं। तप्ता सुदेश्वर सुरेश्वर राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा जदगार्द अरण्यम माया मृगम ईर्षित अन्नधावतम वंदे महापुरुष दे चरणारविंद। भागवत के श्लोक है ये, महाप्रभु की स्तुति हो रही है। वास्तव रूप में महाप्रभु की यहाँ पर दो श्लोक के द्वारा महाप्रभु की स्तुति हुई। ये महापुरुष सन्यास क्यों लिया, मूल कारण क्या है? जीवों की उद्धार के लिए है। इसलिए महाप्रभु दो हाथ उठा कर कहें, हे मेरी प्राण प्रिय प्यारी जीवों, क्यों आप संसार की तरफ जा रहे हो? मेरे तरफ एक बार घूम कर क्या है, करें कि नहीं? हे जीव स्त्री पुरुष, अरे एक बार घूम करके तरो, घूमेगा नहीं। तो महाप्रभु इतने किया कि हरिनाम करने लगे, कहते जाओ ये हरिनाम करो है। यही तो महाप्रभु सन्यास लेकर तप्ता से धर्मिष्ठा जो जैसा जत गार्द अर्ण माया मेघम दैत्य सिद्ध अन्नधा बदल वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम है। महाप्रभु के सन्यास लेने के लिए यही विशेष वैशिष्ट भी दिखा रहे हैं ये भागवत के श्लोक। आओ जी मेरे तरफ घूम करके आओ है। महाप्रभु इतने प्यारे समस्त जीव मनुष्य, मनुष्य के लिए भी करें और साथ ही साथ सारे जीवों की महाप्रभु की कृपा कर दी है। अपनी इच्छा भी पूर्ति हुई और जीवों की भी कृपा कर दी है, यही दिखा दिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु है अत्यंत निर्दय कठोर हृदय होकर के गंगा में क्या की छलांग लगाई और आगे कंटक नगरी में पहुंचे। कटुआ जी का जाते है सन्यास लेना है, मस्तक मुंडन करना है। वो जो नाई जो था उसमें वर्णन है, नाई महापुरुष के मस्तक मुंडन कर नहीं पा रहे, इतने सुंदर महापुरुष के शिखर चाकुर घुंघराल वाले बाल है, इसे कैसे करें है? सफेद बाल है तो बड़ो हम तो कहते हैं बाल सफेद होते ना जल्दी जल्दी हो जाता अच्छा है, समझ में आ रही कि नहीं है? तो उसमें उसमें लिखा भाग चैतन्य भाग चैतन्य 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 भागवत में लिखा ऐसा है। कितने समय लगे वो रोने लगे रहने कटवा में जो है महाप्रभु के सन्यास के समय थे और इसके बाद महाप्रभु के सन्यास जो किया मुंडन आदि किया के संस्कार आदि किए, फिर केशव भारती से सन्यास लेना। स्वयं भगवान ने उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा, आज रात्रि रात्रि में मैंने एक सपना देखा, एक दिव्य महापुरुष आकर के ये सन्यास मंत्र देना मैं ये चाहते, क्या वही आप देना चाहते हो? अर्थात महाप्रभु ने उनको सन्यास दिया पहले और फिर उनसे ही देखो कैसे सुंदर विचार दिखा है सन्यास मंत्र दिया, फिर आगे सन्यास लेकर के महाप्रभु इतने भाव में अभिष्ट हो गए और इधर नवद्वीप धाम में सभी भक्त लोग रोने लगे है। महाप्रभु चले, नित्यानंद प्रभु ने आकर के सभी भक्त की सांत्वना दी है। वैसे भाई नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं निमाई के जो है वापिस ले आऊ। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु के आगे ही चलने लगे वृंदावन की ओर, वृंदावन तो नहीं जा रहे, और महा जाकर के एक जगह देखा कुछ ग्वाल बाल जो है
गाय बछड़ी को चला रहे थे। कहते देखो एक नवीन सन्यासी आ रहे हैं, आप लोग जरूर पूछेंगे ये वृंदावन कितने दूर है, आप लोग बोल देना जी ये आप तो भाव में अभिष्ट होकर के वृंदावन के जा रही है, वृंदावन की उल्टी रास्ते हो गया, आप उस तरफ जाइए। नित्यानंद प्रभु के द्वारा शिक्षित उस समस्त ग्वाल बाल महाप्रभु के कहा, अर्थात महाप्रभु ने जब पूछा यहीं से वृंदावन कितने दूर है, बोले वृंदावन के आप तो पीछे वृंदावन लुट करके पीछे छोड़ करके आए हैं। महाप्रभु इतने भाव में अभिष्ट हुए थे ग्वाल बाल और वो बछड़े आदि को देख करके साक्षात वृंदावन को बालक समझ कर उनके आलिंगन आदि करने लगे ऐसे वर्णन, और रोते हुए बोले वृंदावन कितने दूर है, और वो समस्त बालक नित्यानंद प्रभु के द्वारा शिक्षित ही आयु है। बोल दिया ये नवीन सन्यासी आप तो भाव में अभिष्ट होकर यही वृंदावन तरफ जा रहे किंतु वृंदावन तो बहुत पीछे रह गया आपका, वृंदावन तो पीछे रह। महाप्रभु अच्छा तो महाप्रभु फिर आगे चल रहे, महाप्रभु जब चलने लगे मैं लौट करके ऐसे चलने लगे नित्यानंद आगे ही पहुँच गए हैं। नित्यानंद महाप्रभु के आगे जा करके अद्वैत आचार्य के गृह में पहुँच गए और अद्वैत आचार्य के सारे समाचार दिया ये महाप्रभु आ रहे हैं, आप महाप्रभु के लिए एक नाव और उनकी वस्त्र आदि तैयार रखें। अद्वैत आचार्य नित्यानंद की इच्छा के अनुसार महाप्रभु के लिए वस्त्र डोर गोपी नदी वस्त्र और नाव लेकर के इस तरफ आ गए। महाप्रभु नाम संकीर्तन करते करते हा कृष्ण राधे में भाव में भाभी आविष्ट हो करके रोने लगे। जब यहाँ पर संतपुर के पास गंगा है ना, गए थे संतपुर, वहीं पर आगे गंगा को देख करके जमुना समझने लगे है या मैं वृंदावन पहुँच गए है। और वहीं पर देखा कि नित्यानंद खड़े हुए हैं पहले से, कहते नेता तुम भी आ गए वृंदावन। थोड़ी बाद में देखा अद्वैत आचार्य, अरे नेताई और अद्वैत आचार्य सभी आ गए। अद्वैत आचार्य ने कहते प्रभु जहाँ कृष्ण तहाँ वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण वही तो वृंदावन है, अरे प्रभु आप तो कृष्ण हो और वही वृंदावन है। महाप्रभु तब भी महाप्रभु इतने भाव में अभिष्ट थे है, सोचने लगे यही वृंदावन है जमुना में स्नान करो। इतने समय महाप्रभु ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ देखा तो गंगा के दूसरी तट पर बड़े बड़े नारियल के जो है पेड़ दिखाई पड़ा। वृंदावन में नारियल तो पेड़ है ही नहीं, तार के तो पेड़ है ही नहीं है, आ समझे आम के पेड़ है। और इधर सब देखा ना अद्वैत आचार्य को देख कितने सुंदर है आम के पेड़ है, सुंदर महक आता है सुंदर सुंदर है। महाप्रभु कहने लगे क्या मैं वृंदावन आ गई, ये तो वृंदावन ही तो वही जो है बचपन की याद मेरा है, अद्वैत आचार्य के घर में आता था वही तो बड़े लंबे लंबे नारियल के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। देख और वही है आम की पेड़ है। कहले प्रभु इस तरह आप जो कह रहे हैं सत्य है, क्या सत्य है, इस तरफ जमुना और उस तरफ गंगा, गंगा और जमुना दो धारा बहती है देखना, एक तरफ सफेद पानी और दूसरी तरफ श्यामल वर्ण पानी है, आप देखना गंगा में। और इसलिए कहते हैं प्रभु आप जो कह रहे थे सच, ये गंगा और वो जमुना। महाप्रभु स्नान किया और फिर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को अपने नाव में बैठाया है, नवीन वस्त्र भी पहनाया है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, क्या वर्णन, महाप्रभु इतने भाव में आविष्ट है। फिर लेकर के अद्वैत आचार्य अपने गृह शांतिपुर में लेकर के आए। गृह कैसे होता है, शांति नीड कहा जाता है, लिखा रहता है ना गृह होता है शांति के नीड, नीड शब्द समझते हो कि नहीं, अरे नीड शब्द के उड़ता है घोंसला, पक्षी के जो है घोंसले होता है उसे नीड कहते हैं, नेस्ट शांति नीड है आसन। वहाँ पर पहुँचे है 2:30 बजते जब मैं चलता हूँ।
है? और है? दो प्रश्न था, जवाब दे दिया ऑलरेडी। क्या शिष्य का क्या लक्षण है? शिष्य के एक ही लक्षण है, यद्यपि अनेक लक्षण बताया गया है। प्रभु जी पूछ रहे हैं शिष्य के साथ शिष्य के कितने लक्षण हैं? अनेक लक्षण तो है, समय नहीं है एक एक में बता देते हैं। शिष्य के एक ही लक्षण होता है जो अत्यंत सरल है। सरल किसको कहते हैं? जो अंतर हृदय एक हो, अंतर बाहिर समय व्यवहार अमानी मानद हो, इस शिष्य के पहले लक्षण कहा जाता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। ये लक्षण क्या है? शिष्य का लक्षण क्या है? सरल, कोई कपटता नहीं, छल नहीं है, है अंदर में एक है बाहर में एक है, वो शिष्य के लक्षण नहीं होता है। शिष्य की पहले लक्षण क्या होता है? सरलता। सरलता से सिंप्लिसिटी है, अंतर बाहिर संबंध हुआ है। कलयुग है ना, कहते हैं आप कैसे ठीक है, हम कहते हैं ठीक हो नहीं ठीक है, पूछते हैं ना कि कैसे हो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्या वो ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? तो हम भजन कर नहीं पा रहे, ये सरलता है, बस हम भजन नहीं कर नहीं पा रहे। कर पा रहे हो आप बताओ? पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, जितना हो सकते उन्हें कर रहे हैं। 16 माला जप लिया, 12 माला जप लिया, 64 माला जप लिया, अब जपते कि नहीं जपते, किंतु जिस तरफ से जपने कर नहीं पा रहा हूँ, ये सरलता है। छल कपट रहित है, अंतर हृदय होनी चाहिए है। मन में एक बाहर में एक, वो ठीक नहीं है, वो कपट हो जाता है। ये हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पतित पावन कहा गया। क्या बताए है? पतित पावन क्या है? सीवियर ऑफ द फॉलन लिविंग एंटिटी है। क्या बोला है? समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु, किंतु कपट पावन नहीं है। जो कपट करते हैं, अंतर एक है बाहर एक है, वो महाप्रभु की कृपा कभी नहीं पा पाते। इसलिए अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मानद होवो। और भक्ति ठाकुर, अंतर बाहर एक होना चाहिए। हमारे हृदय में जो उसे खोलो, ओपन करो है, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है, कष्ट है, वो क्या करो? बोलो, गुरु के निकट बोलो, भगवान के निकट बोलो है। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, बोलना पड़ेगा ना है। कहते तो भगवान तो जानते हैं, कहते गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, हम कहते हैं जानते हैं, तो आया किस घर में बैठे है? ऐसे नहीं होता है। कोई कहते हैं गुरुदेव आप सर्व अंतर जामी है, गुरुदेव तो जानते हैं, क्यों तथापि क्या करना है? हृदय के ऊपर, तब तो गुरु क्या करेगा? ऑपरेशन करे, नहीं हो। अंतर बाहिरी समय व्यवहार, सत्शिष्य के एक पहले जितने भी लक्षण कहा गया, कहते हैं सत्शिष्य के पहले लक्षण क्या है? और फॉरमोस्ट लक्षण, मुख्य लक्षण क्या है? सरलता। बालक जैसे सरल होता है, ऐसे सरल बन जाए। एक व्यक्ति ने किसी से पैसा उधार लिया, वो व्यक्ति हर रोज आकर के पैसा दो दे नहीं पाते, गरीब है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? दरवाजा बंद करके बैठे, और वो जिससे पैसा लिया ना है, वो आकर के दरवाजा खटखटाने लगे, फलाना व्यक्ति घर में है, और वो व्यक्ति समझ गया, तो वो व्यक्ति आए हैं पैसा लेने के लिए, और अपने बेटा के कहने लगे, बेटा तू जा करके कह दे ये पिताजी घर में नहीं है, और वो दरवाजा खोल करके बोले पिताजी कह रहे हैं, पिताजी ने बोला पिताजी घर में नहीं है। सरल हो गए कि नहीं? बालक भी समझ नहीं पा, बालक की ये कोई छलकट नहीं है। हम अपने बच्चा के बालक के क्या सिखा देते हैं? कपटता सिखा देते हैं, कैसे छल करना है, कैसे कपटता करना है।
किंतु देखो बालक की स्वभाव जो होता है छल कपट रहित होता है, रहित समझते हो, नहीं रहता है। किंतु हम लोग बालक के क्या करते हैं, छल कपट सिखा देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा जाता है छल कपट रहित बनी चाहिए, है ये सब तो विचार का है। हृदय के जब तक हम नहीं खोले तब तक भक्ति देवी कदापि प्रकट नहीं होगी। इस कहते अंतर बाहिरी समय व्यवहार अमानी मान, आज ये सब तो विचार दिखाया, सुंदर सुंदर ये सब विचार है। आप लोग श्रीवास पंडित के घर में क्यों क्या क्या वही प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब नहीं। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के गृह में क्यों भजन थे? एक तो है श्रीवास जी के गृह के रासमंडल कहा जाता है, भगवान सदा सर्वदा स्वरूप शुद्ध स्वरूप में कहाँ पर रहते हैं, रासमंडल। जय जो जलो रस सर्व रस सार पार किया भवेज रजित विचार, कृष्ण की सबसे प्रियतम स्थान क्या है, राधा रास स्थली है, और सल में तो है ठीक है, किंतु यदि विचार की जाए कृष्ण की सर्वोत्तम स्थान क्या है, रास स्थली। वो गिरिराज गोवर्धन के स्थल हो, राधाकुंड के स्थल हो, अथवा वृंदावन की वो क्या बोलते हैं सेवा कुंजन के, किंतु स्थल क्या है, रास स्थली। ठीक है, वही कृष्ण चैतन्य महापुरुष के रूप में आए और श्रीवास जी के आंगन के क्या कहा जाता है, रास स्थली कहा जाता है। और वो चैतन्य महापुरुष उसी स्थान में तो रास कर रहे हैं ना, कौन सा रास कर रहे हैं महापुरुष, संकीर्तन रास, इसलिए वो प्रिय स्थान है। इतने सरल उत्तर होगी कि नहीं है, समझ में आया। कृष्ण ने रास किया वृंदावन, वृंदावन में बंसी भट में, गोवर्धन में चंद्र सरोवर में, राधा कुंड, राधा कुंड में तट पर और स्थानों पर किया है। अचैतन्य महाप्रभु ने रास कहाँ की, श्रीवास जग ठाकुर के अंदर। और रास क्या थी, नाम संकीर्तन, उस नाम संकीर्तन के रास में सभी लोगों की समावेश, ये दिखा। इसलिए श्रीवास जी के गृह के उन्होंने चुन लिया, और श्रीवास जी जैसे भक्त है नौ न भविष्य, उस घर में तो रहने के लिए आपको अच्छा लगेगा, जिस गृह में आपको स्नेह प्रति वो है। और डॉक्टर साहब यहाँ हम जाते हैं, इनके घर में 8-10 दिन रहते हैं, हाँ पूछ है, और इतने प्रति है माँ कहाँ गई है कि नहीं है, सारे ऑफिस से सारे काम करके रसी बना कर और प्रभु जी भी बना दे, इतने सुन वास्तव में सदी। मैं तो कभी थोड़ी बने न्यूयॉर्क में इसलिए, अरे हमारे जितने भक्त लोग गुरुदेव सब इनके घर में आते हैं, पूछो है, विशाल घर है तो कहीं नहीं है, एक तो बेटा है, और इतने विशाल जो है क्या बताएं, भगवान ने दिया और उसके वस्तु रूप में उन्होंने भक्त और भगवान की सेवा में लगाए, विशाल गृह है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, देखने में तो ऐसे साधारण ऐसे कुर्ता पहना फाटा है, हाँ कितना से, और सबके आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, प्रीति करते हैं, सभी भक्त लोग इनके घर में रहते हैं, और अत्यंत दीन मीठे भाषा भी ऐसे सुंदर मधुर भाषा, मृदु मधुर भाषी का मिष्ट भाषा है, जब आते हैं जरूर हमारे साथ मिलते हैं, हम जब प्रवचन देते हैं हमारे पास जरूर आते हैं, बुझो दो बार शुरू है, पिछले साल मैं ऊपर में रहा ना, हर रोज मुझे इतने सुंदर के क्या चावल लाए थे, बात ना दूध अरे छोटा छोटे चावल होते ना वो गोविंद भोग है, बहुत एक्सपेंसिव और सुगंध जो है, और रोज बना करके लाते हैं है, और इतनी सुंदर सब्जी बनाए स्वयं बनाते है, आज और इनके पूरा शाका क्या बोले शाकाहारी है, शुद्ध है सब है, पवित्र गृह
है, जिसके घर में जाने से अपने आप भजन तो अपने आप भोगते रहेगा। हाँ है, हम जाते थे और एक ब्रह्मचारी था ना, अच्छा बस ये दोनों चले जाते रस्सी ट्यूशन बना करके खिला पिला करके माँ आकर के फिर बना दी थी। और कथा में जब प्रातः काल में उठ करके संकीर्तन करते पूरा दादा संग में तिलक लगा करके, मैंने कि क्या वर्णन करूँ, वास्तव रूप में जो सत्तर दादा संग में तिलक लगा कर इतने बड़ी डॉक्टर भी है, ये साधारण नहीं है, और क्या इनकी पत्नी भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर है, ऐसे ऐसे लोग संसार, मैंने इसे कहने की तात्पर्य है भाई लोग कहाँ पर आप रहना चाहते हैं, जहाँ पर स्नेह प्रीति ममता मिले हैं, आ समझ में नहीं, हाँ नहीं कहा तो वही कथा सुना देते हूँ, प्रहार ये ना था ना जाए। सुनाते कि नहीं सुनाते, तीन दामाद था जमाई षष्ठी होती है ना, जमाई षष्ठी के समय आगे तीन दामाद, तीनों के तो बहुत खिला पिला, एक था जो है बहुत बिस्तर में सोने वाले उसकी अच्छी जो है बिस्तर वो उस होते था और देखा तो दो दिन हो गया जमाई षष्ठी तो हो गया, जा नहीं रहे, बोले इसके बिस्तर के अलग कर दियो, ऐसे भूस भूसा करके क्या बोले भूसा दे करके बिस्तर बना दिए, तो समझ गए जी आम के जाने के टाइम हो गया चले। दूसरी एक जो था और वो देख खाने के शौकीन था खाने के जानते अच्छा अच्छा खाने खाना दे लो, तीसरे दिन उनके सास ससुर ने किया कि ऐसी कुछ है खिचड़ी बना दी है उसमें नमक ठीक नहीं है, बोले तब समझ गया तो ये लोग चाहते नहीं मैं घर में रहूं, चले गए। तीसरी एक धमाका था वो बोले कुछ भी दो तो मैं नहीं जाता, घर में जाओ तो काम करना पड़ेगा, इसलिए ससुरालय में ससुर के घर में और दो चार दिन और दो सात दिन हो गया पाँच दिन हो गया, सास ससुर बोले क्या बात है दामाद अभी तक नहीं जा रहे क्या की जाए। तो दामाद जिस घर में जिस कमरे में रहते ना उसके जलना के पास ही खाने लगे, बोले ये कब तक रहेंगे जी नहीं जाएंगे तो प्रहार है ना दर्द तो समझ गए बाबा पिटाई क्यों करेंगे अभी इस तरह बंद करके लेके चले जाता। मेरे कहने की तात्पर्य है एक व्यक्ति वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर स्नेह ममता प्रीति है, खान पीन अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, सभी तो चाहते है कि नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी जय डॉक्टर प्रभु की जय। गुरुदेव के अंतरंग सेवक थे, बहुत सेवा करते थे हमारे गुरुदेव, चरण नारायण महाराज इनके पास जाते बहुत सेवा करते, तन से मन से धन से सब प्रकार से जो है गुरुदेव की सेवा आदि करते थे, हम तो देख आ सकते हैं है, अभी भी कोई भी वैष्णव जा सभी को ये लोग सेवा आदि करते हैं, ये नहीं है धनंजय प्रहारी नो ऐसे नहीं है कि नहीं गुरु प्रमाण अरे एकादशी है पागल है इसको रख दो फल ले फिर जल्दी ले ये ले पूरे एकादशी नॉट एवरी अरे अरे सब ले आओ आठ समय से क्या बोले कहाँ चले जाओ अरे वृंदावन में मत जाओ अभी बता
और आप लिया और ले आओ सॉरी सॉरी